महाराज तेरी कोई सहायता नहीं कर सकते, अब तो भगवान ही तुझे महाराज की गोद में बिठा सकते हैं। जा, जाकर भगवान विष्णु की तपस्या कर और उनसे प्रार्थना कर कि अगले जन्म में तुझे मेरी कोख से जन्म दे और महाराज के गोद में बैठने के योग्य बनाए। वो महाराजाओं के महाराज हैं, सम्राटों के सम्राट हैं, परम बलवान सर्वशक्तिमान हैं। तुम देखोगे वो कैसे लगते हैं। ये है हमारे विष्णु भगवान, लक्ष्मीपति नारायण, जिनकी मैं नित दिन पूजा करती हूँ। महाराज की गोद तो क्या, वो अपनी गोद में बैठने का भी अधिकार दिला सकते हैं। हे विष्णु भगवान, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, मगर मुझे ये तो पता नहीं कि तुम कहाँ रहते हो। मगर तुम जहाँ भी रहते हो, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। मेरी बस एक विनती है, मेरी माता नित दिन तुम्हारी पूजा करती है, मेरे जाने के बाद उसका ध्यान रखना। हम दोनों एक दूसरे से कभी अलग नहीं हुए, वो मुझे पास ना पाएगी तो व्याकुल हो जाएगी। उसकी ढाढ़स बंधाना प्रभु, उसे रोने मत देना। मैं तुम्हें सोता छोड़कर जा रहा हूँ, क्षमा कर देना मुझे। तुम जागती होती तो मुझे कभी ना जाने देती, पर देखो मुझे ना पाकर व्याकुल मत होना। मैं भगवान विष्णु को ढूंढने जा रहा हूँ, वही तुम्हारा खोया हुआ स्थान दिलाएंगे और मुझे भी। मैंने भगवान विष्णु की मूर्ति से कह दिया है कि वो तुम्हारा ध्यान रखे। मुझे विदा दो माते, मुझे विदा दो। प्रभु देखिए, नन्ना ध्रुव रात्रि के अंधेरे में राजभवन को छोड़कर आपकी खोज में निकल गया है। हाँ देवी, वो अपने मन की लगन को दबा नहीं पाया। परंतु हे सर्वव्यापी, वो तो क्षीर सागर का मार्ग भी नहीं जानता। देवी, एक यात्री के लिए सबसे कठिन क्षण वो होता है जब वो किसी अनजान यात्रा के उद्देश्य से मार्ग पर प्रथम पग धरता है। फिर तो मार्ग में सहस्त्रों घने पेड़ मिल जाते हैं जो उसके पैरों तले शीतल छांव बिछाने को तैयार रहते हैं। फिर मार्गदर्शक भी मिल जाता है, और मार्गदर्शक तो गुरु होता है देवी। परंतु है सर्वश्रेष्ठ, वो तो अभी एक बालक है, उसे इस यात्रा में कितना दुख झेलना पड़ेगा। महादेवी, बूंद जब किसी मेघ की गोद से निकलती है तो उसके मन में असंख्य आशंकाएं होती हैं। सोचती है कि उसका अंत क्या होगा, क्या वो किसी मरुस्थल की सुलगती रेत पर गिरेगी और सूख जाएगी, या किसी सुलगते अंगारे पर गिरेगी और भस्म हो जाएगी, या फिर किसी कांटे पर गिरेगी और उसका शरीर छलनी हो जाएगा। क्या होगा उसका अंत। परंतु जब वो किसी सीप के मुख में गिरती है और मोती बन जाती है, तब उसे यह ज्ञान होता है कि उसकी यात्रा शुभ थी। आपकी बातें आप ही जाने परमेश्वर, किंतु आज्ञा हो तो एक बात कहूं। आप तो हमारी अर्धांगिनी हैं,
हमसे कुछ कहने के लिए आपको हमारी अनुमति और आज्ञा की आवश्यकता नहीं है देवी। कहिए, अवश्य कहिए। यदि ध्रुव पर राह में कोई संकट आया तो मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं इस खेल में कूद पड़ूंगी और आप मुझे रोकिएगा मत। नहीं रोकेंगे, परंतु एक बात का ध्यान तो आपको भी रखना होगा देवी। कौन सी बात? कि नियमों को बनाने वाले स्वयं उनको तोड़ा नहीं करते। मैं समझी नहीं त्रिलोकीनाथ। मानव के भाग्य विधाता ब्रह्मा है, आप ब्रह्मा के लिखे को बदलने की चेष्टा न कीजिएगा देवी। ध्रुव हमको ढूंढता हुआ आ रहा है और इस राह में उस पर वही बीतेगी जो ब्रह्मा ने उसके भाग्य में लिख दी है। वो हम तक पहुंच पाएगा या नहीं ये तो केवल ब्रह्मा ही जाने। परंतु इस बालक के लिए आपके मन में इतना स्नेह क्यों उमड़ रहा है देवी? मैं नहीं जानती प्रभु, पर न जाने क्यों ऐसा लगता है जैसे ध्रुव मेरी ही संतान हो। इतना महान स्थान दे दिया उसे आपने। क्यों, क्या वो स्थान के योग्य नहीं? इतनी छोटी सी आयु में इतना बड़ा निर्णय, इतना दृढ़ निश्चय, ये सब महानता के लक्षण नहीं है तो और क्या है? उसे अपनी महानता सिद्ध तो कर लेने दीजिए। अवश्य, परंतु ध्रुव पर अगर कोई संकट आया तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। ऐसा कब तक चलेगा दलनायक जी? क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ, अरे इतने दिन हो गए कोई भी यजमान हाथ नहीं आया, अगर यही दशा रही तो हम सब भूखे मर जाएंगे। बात तो तुमने ठीक कही है मित्र, पर क्या किया जाए, लगता है यात्री ये मार्ग ही भूल गए हैं। इतने लोगों को लूटा है हमने कि लोगों ने इधर से आना जाना ही छोड़ दिया है। अरे वो देखो, अरे शिकार आ गया। वन देवता ने सुन ली हमारी, कोई बालक है, कोई भी हो लगता धनी है। सारा शरीर गहनों से ढका है, गहने छीन कर ठिकाने लगा देंगे। गहने छीनने तक तो ठीक है, पर इतने छोटे बालक को मारना। पति मारी गई है तुम्हारी, यदि कोई राजकुमार हुआ तो इसे छोड़ दिया तो जाकर राजा की सेना ले आएगा और हम सब चुन चुन कर मार दिए जाएंगे। चलो। हम डाकू हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? तुम्हारे आभूषण, अपने आभूषण उतार कर हमें दे दो। ले लीजिए, केवल मुझे एक बात बता दीजिए। क्या बात? मैं अपने सारे आभूषण आपको दे दूंगा, मुझे बस ये बता दीजिए कि भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं। भगवान विष्णु? हाँ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। आपको तो पता होगा कि वो कहाँ रहते हैं। हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, हम तुम्हें जरूर उनके पास ले चलेंगे, पर पहले अपने ये आभूषण हमें दे दो। आओ हमारे साथ। यहाँ से तुम सीधा विष्णु के पास पहुंच जाओगे।
उसे, मार डालो। सांप को ढूंढो, उस बालक को भी ढूंढो। वो देखो, सांप को ढूंढो, उस बालक को भी ढूंढो। पुत्र, आप कौन हैं माता? तुमने तो माता कहकर स्वयं ही बता दिया कि मैं कौन हूँ। अब मैं क्या बताऊँ, समझ लो तुम्हारी माता ही हूँ। इन लोगों को क्या हुआ? इनको इनके किए का दंड मिल गया। ये लुटेरे थे और तुम्हें मार डालना चाहते थे। परंतु ये बताओ, इतनी रात्रि को तुम अकेले कहाँ जा रहे थे? मैं भगवान विष्णु से मिलने जा रहा हूँ। मेरी मानो तो तुम घर लौट जाओ, अभी तुम बहुत छोटे हो। मैं उनसे मिले बिना घर नहीं जाऊंगा। अच्छा, अब रात्रि बहुत बीत चुकी है, भोर होते ही ढूंढ लेना अपने भगवान विष्णु को। आपको पता है कि भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं? मुझे उनसे मिलने का मार्ग बता दीजिए तो आपकी बहुत कृपा होगी। मेरे वश में होता तो मैं ले जाकर तुम्हें उनकी गोद में ही बिठाती, किंतु मैं विवश हूँ। सुनो पुत्र, तुम थक गए होगे, तनिक विश्राम कर लो। विश्राम तो मैं अपने भगवान विष्णु से मिलने के पश्चात ही करूँगा। बड़े हठी हो तुम। Thank you.
आइए महादेवी, आइए। आज तो आपने हमको भी अचरज में डाल दिया। अचरज में? और वो भी आपको मायापति? मेरी किस बात से आपको आश्चर्य हुआ? शीतल जल यदि दहकती अग्नि बन जाए, चंद्रमा ठंडी चांदनी के स्थान पर यदि तपती धूप छिटकाने लगे, पुष्प की कोमल पंखुड़ी यदि धारदार कटार बन जाए, तो आश्चर्य नहीं होगा देवी। अपने पुजारियों पर धन की वर्षा करने वाली देवी को जब हमने ध्रुव के शत्रुओं पर विष की वर्षा करते देखा, तो हमें भी कौतूहल हुआ। मैं क्या करती नारायण, मुझसे रहा नहीं गया। वो हत्यारे अगर ध्रुव के प्राण ले लेते तो मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाती। आप जानते हैं ना, वो हत्यारे ध्रुव के प्राण लेना चाहते थे। जानता हूँ, भली भांति जानता हूँ, और कुछ और भी जानता हूँ। क्या? यही कि हो सकता है कि विधाता ने ध्रुव के भाग्य में यूं मरना लिखा ही न हो, उसके भाग्य में ये लिखा हो कि आप उसके प्राणों की रक्षा करेंगी और अपने ममतामयी हाथों से उसे थपकियां देकर सुलाएंगी, क्योंकि देवी होता तो वही है जो भाग्य में लिखा है। मैं नहीं जानती, लेकिन उस बालक को देखकर मेरे मन में ममता का सागर उमड़ने लगता है। नारायण, वो कितनी लगन से आपको ढूंढ रहा है, आप स्वयं जाकर उसे अपने दर्शन क्यों नहीं देते? हम विधाता के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते देवी, विधाता के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ध्रुव को वो सब मिलेगा जो उसके भाग्य में लिखा है। आपका लाडला अब जागने वाला होगा, धरती पर भोर होने वाली है। भोर होते देखकर मेरा मन कांप रहा है। क्यों देवी, किस कारण? भोर हुई और सुनीति ने अपने लाल को ना पाया तो उसकी क्या दशा होगी? वो तो दुख से पागल हो जाएगी। कक्ष के बाहर निकलते ही नहीं देखा। तो जाओ, जाओ जाके उसे लेकर आओ। मेरा हृदय व्याकुल हो जा रहा है। जाओ, जाओ। महाराज ध्रुव को अवश्य ढूंढ निकालेंगे। हाँ, मुझे महाराज के पास जाना चाहिए, मुझे महाराज के पास जाना चाहिए। क्षमा करें महारानी, किंतु आप महाराज से ना मिले तो अच्छा है। ना मिलूं उनसे? क्यों ना मिलूं उनसे? पता नहीं वो आपसे मिले भी या ना मिले। रानी सुरुचि भी उनके पास उनके कक्ष में है। रानी सुरुचि ने आपसे ना मिलने दिया तो आपको दुख होगा। संतान की खो जाने से बड़ा दुख और क्या हो सकता है? इससे बड़ा दुख मुझे और कोई क्या दे सकता है? महाराज ध्रुव के पिता हैं, मुझे उनसे मिलना ही चाहिए। मैं देखती हूँ।
महाराज, महाराज। महारानी सुनीति, क्या बात है, क्या हुआ? महाराज, हमारा पुत्र ध्रुव। क्या हुआ पुत्र ध्रुव को? बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। न जाने कहाँ चला गया हमारा पुत्र, न जाने कहाँ चला गया ध्रुव। चला गया कहाँ? चला गया कहाँ? चला गया होगा, अरे यही कहीं राजभवन में खेल रहा होगा। दासी ने राजभवन का कोना कोना छान मारा है, उसका कहीं पता नहीं चला। महाराज अब उसे ढूंढ निकालिए, नहीं तो मैं रो रो के अपने प्राण दे दूंगी। महारानी सुनिए, महाराज उसे कहाँ ढूंढेंगे? आपका पुत्र आपके पास था, महाराज को क्या पता कि वो कहाँ होगा? महाराज मेरा सब कुछ छीन लीजिए, किंतु मेरे लाल मुझे लौटा दीजिए। उसी का तो सहारा था मुझे, उसी का मुख तो देख देख के जीती थी मैं। धीरज रखिए महारानी सुनिति। कैसे धीरज रखूं, कैसे धीरज रखूं? उसने कहा था कि वो भगवान विष्णु से मिलना चाहता है। मैं समझी कि वो बचपने में कह रहा है। भगवान विष्णु से मिलने? हाँ, आपसे मिलने के पश्चात वो बहुत उदास हो गया था, न जाने कहाँ भटक रहा होगा वो। अगर वो मुझे नहीं मिला ना, तो मैं आपको कभी भी क्षमा नहीं करूंगी। मैं आपको कभी भी क्षमा नहीं करूंगी। मैं आपको कभी भी क्षमा नहीं करूंगी। महारानी सुनीति, महारानी सुनीति, महारानी सुनीति, महारानी सुनीति, महारानी सुनीति मूर्छित हो गई है। जल्दी से जल लेकर आइए। आपको दिखाने के लिए ढोंग कर रही है, ये सब आडंबर है। महारानी सुनीति, महारानी सुनीति, दासी जल्दी से जल लेकर आओ। महारानी सुनीति, महारानी सुनीति, महारानी सुनीति, ध्रुव, ध्रुव, पुत्र ध्रुव। रोइए नहीं महारानी, रोइए नहीं। वो भगवान विष्णु से मिलने का हट कर रहा था, मुझे क्या पता था कि वो स्वयं ही चला जाएगा। घबराइए नहीं महारानी, वो चला भी गया है तो बहुत दूर तक नहीं गया होगा। आप अपने कक्ष में जाइए, मैं तुरंत ही अपने सैनिकों को ध्रुव को ढूंढने के लिए भेजता हूँ। सैनिकों को भेजोगे? स्वयं नहीं जाओगे अपने पुत्र को ढूंढने? पिताश्री आप, पर तुम कैसे जाओगे? जो स्वयं मोह की राहों में भटक रहा हो वो किसी को क्या ढूंढेगा? पिताश्री, हाथ मत लगाओ मेरे चरणों को, तुम इस योग्य नहीं हो। तुम तो इस योग्य भी नहीं हो कि मैं तुम्हें अपना पुत्र कहकर पुकारूं। उस मनु का पुत्र जिसने आचरण के आदर्श बनाए, जिसने राजधर्म को जन्म दिया, उसकी संतान का ऐसा पतन धिकार है तुम पर, जिसके नाम पर धरतीवासी स्वयं को मानव कहकर धन्य होते हैं। मैं तो राजकाज और परिवार का भार तुम्हारे हाथ सौंपकर संतुष्ट हुआ था, पर कदाचित कदाचित ये मेरी भूल थी, तुम इसके योग्य नहीं थे। परंतु पिताश्री, पहले राजकाज का कार्य संभालने में कोई भूल नहीं की, मेरी प्रजा मुझसे प्रसन्न है। तुम्हारी प्रजा तुमसे प्रसन्न है? और ये नारी, क्या ये तुम्हारी प्रजा नहीं? केवल इसलिए कि इसने तुम्हारी पत्नी बनना स्वीकार कर लिया, क्या ये न्याय के उन अधिकारों से वंचित हो गई जो प्रजा को प्राप्त होते हैं? क्या ये तुमसे प्रसन्न है? क्या अपराध किया था इसने जो इस गुणवंती के अधिकार छीन कर तुमने उस गुणहीन को दे दिए? क्या तुम्हारा पुत्र तुम्हारी प्रजा नहीं है जिसका अपमान देखकर भी तुम चुप रहे?
और केवल आज तुम्हारे कारण वो अनजानी राहों में भटक रहा है। मुझसे भूल हो गई पिताश्री। भूल? भूल मान लेने से भूल के दुष्परिणामों का अंत नहीं होता। भूल सुधार चाहती है, लेकिन उसकी सारी संभावनाएं तुमने समाप्त कर दी हैं। पुत्र ध्रुव तुम्हारा घर छोड़कर जा चुका है, तुम्हारे परिवार में असंतोष है, और जो परिवार को संतुष्ट नहीं कर सका वो असंख्य प्रजा को क्या संतुष्ट करेगा। जिससे एक छोटा सा परिवार न संभाला गया वो इतने बड़े राज्य को क्या संभालेगा। धिक्कार है तुम पर, सारा विश्व जीतकर भी एक नारी की सुंदरता से पराजित हो गए। मैंने संपूर्ण राज्य की बागडोर तुम्हारे हाथ सौंपी थी, परंतु तुमने वो बागडोर अपनी दूसरी पत्नी को सौंप दी और कठपुतली की भांति उसकी उंगलियों के संकेत के दास बने बैठे हो। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताश्री। क्षमा? प्रजा अपराध करे तो उसे क्षमा किया जा सकता है, परंतु राजा अपराध करे तो उसे क्षमा नहीं किया जा सकता। राजा का अपराध अपराध नहीं पाप होता है, और पाप के लिए क्षमा नहीं प्रायश्चित के दंड की आवश्यकता होती है, और राजा को यह दंड वो स्वयं ही दे सकता है। क्षमा याचना करो अपनी पत्नी सुनीति से, जिसके साथ अन्याय किया है तुमने, घोर अन्याय, जिस मनु की तपस्या महाप्रलय ने भी भंग नहीं की। तुमने अपने परिवार के साथ अन्याय करके वो तपस्या भंग कर दी और मुझे यहां आने पर विवश कर दिया। याद रखो तानपाद, यदि पुत्र वियोग में मेरी पुत्र वधु को कुछ हो गया तो तुम मेरे शाप से नहीं बच पाओगे। पिताश्री सुनिए तो सही। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। पिताश्री, पिताश्री मुझे इतना कड़ा डंडा दीजिए पिताश्री। बिन सोचे समझे करे कभी न कोई काम, जैसी करनी होएगी होगा वह परिणाम। विश्व विजेता की विजय आज हुई बेकार, जीत लिया संसार को गए स्वयं से हार, गए स्वयं से हार।